अजीत भाई, उम्रा की राजनीति दिन ब दिन गर्माती जा रही है। कभी कोई शरद चंद्र पवार गुट से निकल करके अजीत पवार गुट में आ रहा है, कभी कोई अजीत पवार गुट से निकल करके शरद पवार गुट में जा रहा है, और आज तो एक ऐसा मोड़ सामने आया है राजनीति में कि जो बारी बारी से पाला बदल रहे थे, कभी शिवसेना में रहे, कभी कांग्रेस में गए, कभी एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी में आए, फिर अजीत पवार पार्टी में गए। कल तक जो विधायक जितेंद्र आवाड को सबके सामने और मीडिया गालियां देते थे, चोर बोलते थे, आज उन्होंने उनसे हाथ मिला लिया। क्या कहेंगे इस पर, क्या सफाई देंगे आप? देखिए, मैं उम्र में उनसे बहुत छोटा हूँ, तजुर्बे में भी उनसे बहुत छोटा हूँ। वो हमारे सीनियर, उम्रा के बहुत बड़े सीनियर नेता रह चुके हैं, माजी महापौर है, वो बेहतर समझते हैं कि उनकी रणनीति क्या है। बाकी जब तक के वो हमारे साथ में थे, तो वो जो हमें बगअप कर रहे थे, जो हिम्मत दिला रहे थे, जो हौसला दे रहे थे ना, उसकी बात ही निराली थी। यानी मैंने ऐसा नईम खान इसके पहले नहीं देखा था जो ये साल भर में मैंने देखा। मैं राजनीति में आया ही नईम खान की वजह से था, उनके विरोध करने की वजह से था, लेकिन ये साल भर में उन्होंने मेरे जैसे आदमी का दिल जीत लिया था। एक ही बोलना था उनका हमेशा, जब भी मिले तब यही बोलते थे, अजीत मुसलमान कैंडिडेट जीतना चाहिए, मुसलमान कैंडिडेट जीतना चाहिए, मुस्लिम जीतना चाहिए, अपना भाई जीतना चाहिए, अपना भाई जीतना चाहिए। ये जो बोलते थे ना, उससे ऐसा मतलब हिम्मत मिलती थी, कॉन्फिडेंस आता था कि ऐसा लगता था कि नहीं, इस बार नईम भाई, नईम खान साहब हमारे एकदम सही जगह पे है। बहरहाल अब उनकी मर्जी, लेकिन उनका जो ये बात, उनका जो ये मैसेज जो हमको भी देते थे, हमारे साथ में जितने दूसरे नेतागण जुड़े थे उनको भी देते थे और लोगों में भी देते थे कि इस बार मुस्लिम कैंडिडेट चुन के आना चाहिए और नजीब मुल्ला से बेहतर कोई दूसरा मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। ये उन्होंने पचासों बार, हजारों बार हमको भी बोला, उनके कार्यकर्ताओं को बोला, उनके लोगों को बोला, हमारे साथ के नेताओं को बोला, जब भी हमारी मीटिंग हुई उसमें भी ये बात बोला। तो वो चले गए, लेकिन उनका मैसेज आज भी जिंदा है, आगे भी जिंदा रहेगा, और हम उनके इसी मैसेज पे पूरी ताकत के साथ में, पूरा कॉन्फिडेंस जो उन्होंने हमको दिया था, उस कॉन्फिडेंस के साथ में काम करेंगे। इस बार मुमरा का आमदार मुसलमान आमदार होगा इंशाल्लाह, और हम जीत के आने के बाद में कोई जाए ना जाए, सबसे पहले मैं गुलदस्ता लेके नईम खान साहब के बंगले पे जाऊंगा और उनको मुबारकबाद दूंगा कि आपकी दी हुई हिम्मत और हौसले से हमने जो और जज्बे से हमने जो ये जंग जीती, और हमारे भाई, हमारे एक मुस्लिम कैंडिडेट को नजीब मुल्ला जैसे होनहार और टैलेंटेड कैंडिडेट को जीता के लेके। कहीं ना कहीं एक नामी चेहरा नईम नजीर खान साहब थे आपकी पार्टी में, उनके जाने से किसी तरह का कोई असर पड़ेगा पार्टी पर? मैंने बोला ना कि पार्टी तक ही वो अभी तक थे, वो अपने बंगले पे बैठते थे, वहाँ हम जाके मिलते थे, या वो आते थे पार्टी मीटिंगों में, पार्टी प्रोग्राम में, यहीं तक के मामला था उनका। मामला पब्लिक में कुछ भी नहीं था, कार्यकर्ताओं में था, और कार्यकर्ताओं में और नेताओं में हमारे पार्टी के उनका उनकी तरफ से दिया हुआ पॉजिटिव मैसेज जो है ना, दिल और दिमाग में छप चुका है, जो हमने लोगों के दिल और दिमाग में छाप दिया है, इंशाल्लाह रिजल्ट जो वही आएगा जो उनके दिल में। अजीत भाई, आज शरद चंद्र पवार गुट की माननीय विधायक जितेंद्र आवाड़ साहब की बहुत बड़ी सभा है, और जिसमें जो है पार्टी प्रवेश भी है, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि अभी दो कुछ बड़े ऐसे नाम है जो पार्टी में शामिल होने वाले हैं, शाम तक क्लियर हो जाएगा। तो अगर ऐसे लोग पार्टियां छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, उनके लिए आप किस तरह का मैसेज देंगे? देखिए, 2023 में जब दादा गुट असली राष्ट्रवादी के साथ में अलग हुआ था, तो नजीब मुल्ला अकेला था। फौरन जो है ना, लोग जुड़ने लगे, मैं भी उसी दिन गया था और जुड़ा था, और उस वक्त की तादाद हमारी नेतागण में दो ही चार लोग की थी, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते कारवा चलता रहा, कारवा बढ़ता रहा, और आज यहाँ तक के आया कि मैक्सिमम नगर सेवक हमारे पास है, अच्छे बड़े चेहरे हमारे पास है। तो अब इसमें ज़रूरी नहीं कि हर कोई टिके, जिनका जज्बा है, जो लोग बदलाव चाहते हैं, वो लोग यहाँ से छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, वो यहीं रुकेंगे, और पूरी ये जो लड़ाई है आमदार बदलने की, उसमें हमारा पूरा साथ देंगे। जो जाने वाले, जो जा चुके हैं, वो गए, या
अब मुझे ऐसा कोई उम्मीद नहीं कि हमारी तरफ से कोई जाएगा।